पुलिस से मेरे कई सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि मारने वाले के आदमी हैं। पहला जो बच्चों की शिक्षा का खर्चा है उनको सारा राजस्थान सरकार उठाए, दूसरी 50 लाख जो मुआवजे की राशि है जो उदयपुर हत्याकांड में इन्होंने दिए वो भी इस परिवार को दी जाए। और मौसम भाई जो मल्ला का बास वाले हैं उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसको लेकर आज हमारे सारे मल्ला का बास वासी जो इर्द गिर्द के जो सारे गांव हैं वो बुजुर्ग लोग जवान साथी सब आए हैं और हमने हमारी मांग को गांधीवादी तरीके से प्रशासन सामने रखा है। एसडीएम साहब ने हमें तुरंत प्रभाव से ये आश्वासन दिया है। तेरा कातला भी जिंदा है, 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 जिंदाबाद, फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक है, एक है, एक है, एक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, फांसी दो, 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 न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जिंदाबाद, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, एक है, एक है, फांसी दो, 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 तेरा कातला भी जिंदा है, तेरा कातला भी जिंदा है, पूरी कराओ, पूरी करो, पूरी करो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, तेरे कातिल भी जिंदा है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद, 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 एक है, एक है, एक है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, जिंदाबाद, 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 फांसी दो, फांसी दो, मौसम के हथियारों को, फांसी दो, फांसी दो, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, खड़ी कर जाऊँ इन तार मोद सर। हमारी टीम निवाद रक्षक दल संरक्षक इंजीनियर और साथ में हमारे निवाद रक्षक दल के अध्यक्ष हैं अयूब भाई। तो आज हमारी टीम इसी ज्ञापन को लेकर आई है। कल एसडीएम से हमने परमिशन फखरू भाई ने हमारे ले ली थी। तो हमारी जैसे फखरू भाई ने बताया हमने अपना संविधान दायरे में रहकर ये प्रदर्शन किया है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। तो हमारी इसमें बस यही मांग है जो फखरू भाई ने बताई। पहला जो बच्चों की शिक्षा का खर्चा है उनको सारा राजस्थान सरकार उठाए, दूसरी 50 लाख जो मुआवजे की राशि है जो उदयपुर हत्याकांड में इन्होंने दिए वो भी इस परिवार को दी जाए, और तीसरा किसी घर में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो भी मुजरिम
अभी तक इसमें गिरफ्तार नहीं है, 8 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें से सिर्फ 2 गिरफ्तार किए हैं, और सर समाज हमारे साथ है, हमारे मीणा भाई भी हैं, कहाँ चले गए वो, पटेल साहब भी हैं, सर समाज हमारे साथ है। तो बस हमारी यही मांगे हैं, जो ये नफरती लोग, चंद लोग जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बस हमारी यही इस भाईचारे के हिसाब से यही चेतावनी है, आप सुधर जाएं। अगर हमारी मांगे ये नहीं सुनी गई तो हमारा अगला प्रदर्शन जिला कलेक्टर अलवर होगा। तो बस सर हमने यही हमारी मांगे हैं, और मीणा जी का, और यहाँ पर SDM लक्ष्मणगढ़ पर एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और हमने में वार्डिंग से शांतिपूर्वक रैली निकाल कर अपना गुस्सा जाहिर किया है, क्योंकि ये गुस्सा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं मैं देखता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपनी ईमानदारी पूर्वक इसमें तफ्तीश और तहकीकात नहीं कर पा रही, क्योंकि इसमें 8 मुलजिम बनते हैं, 2 मुलजिम पकड़े गए लेकिन उनका आज तक मोबाइल जब्त नहीं किया गया, जिससे कि और षड्यंत्रकारियों का पता लग सके कि किस किस का हाथ है और किस किस से बातें होती थी, न तो मृतक का न मतलब मुलजिम साइडों का। तो मैं यही मांग करता हूं SDM साहब के समक्ष कि उसके द्वारा CM अशोक गहलोत, हमारी जो बेटी है वो बालिग होने वाली है, उसकी शादी का सारा खर्चा उठाए सरकार, और उनके आश्रित जो भी बच्चे हैं उनको जब तक वो बालिग ना हो जाए उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के सारा खर्चा हमारी सरकार उठाए, 50 लाख रुपए उसकी आर्थिक मदद करें उस परिवार की, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है, बेरोजगार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक उनके परिजनों को आश्रितों को एक नौकरी दी जाए उस तर्ज पर जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की गई थी, हमें बड़ा दुख हुआ, उनको जो सुविधाएं मुहैया कराई सरकार ने वही पैटर्न यहाँ पर अपनाए। इतना मैं मौसम भाई जो मल्ला कबास वाले हैं उनकी निर्मम हत्या की गई है उसको लेकर आज हमारे सारे मल्ला कबास वासी जो इर्द गिर्द के जो सारे गांव हैं वो बुजुर्ग लोग जवान साथी सब आए हैं, और हमने हमारी मांग को गांधीवादी तरीके से प्रशासन सामने रखा है। SDM साहब ने हमें तुरंत प्रभाव से ये आश्वासन दिया है, जिस तरह की बात हमने रखी कि मौसम भाई के आश्रित के एक परिवार में से सदस्य को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, दूसरा पॉइंट हमारा ये था उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, तीसरा हमारा ये है कि उनको राजस्थान सरकार बच्चों की पढ़ाई का और शादी का खर्चा उठाए, और जो जितने भी मुलजिम हैं उनके मोबाइल को जब्त कर उच्च अधिकारियों से उसकी जांच कराई जाए, ये हमारी कुछ मांगे हैं। इन मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है, हमारे बहुत सारे साथी आए हैं ज्ञापन देने के लिए। अगर प्रशासन ने हमारी इस बात को अच्छे से गौर नहीं किया और ध्यान नहीं दिया तो हम जिले लेवल पर चाहे हमें भूख हड़ताल पर आंदोलन करना पड़े, हम पूरे कानूनी तौर पर हम हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें किस भी हद तक जाना पड़े। लेकिन प्रशासन से इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारे मौसम भाई को हक दिलाएं, और ऐसी निर्मम हत्या, वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब का व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, खुलेआम आप देख रहे हो किस तरीके का माहौल हो रहा है, एक भाईचारा इससे खत्म होता है, हम नहीं चाहते भाईचारा खत्म हो, भाईचारा कायम रहे, इसको लेकर आज हम उपखंड अधिकारी हमारे सुभाष यादव SDM साहब से मिले हैं, उन्हें हम आश्वासन दिया कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। शुभ नाम, मेरा नाम फखरुद्दीन, सामाजिक कार्यकर्ता, और सब पूरा गांव मेरे 36 बिरादरी का, पूरे हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं, और जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन की लापरवाही इस केस में बरती है उस हिसाब से हम संतुष्ट नहीं है। मैं राज्य सरकार से यही मांग करूंगा कि इसमें तुरंत एक्शन लिया जाए, और सबसे पहले मुद्दा हमारा यही है इसमें मुलजिमों का बैकग्राउंड चेक किया जाए, इसके पीछे के पर्दे के पीछे कौन है, और मोबाइल अभी तक मोबाइल नहीं मिला, चाहे तो उसकी 24 घंटा में जांच हो सकती है, जबकि 8 दिन होगा अभी तक DNA की रिपोर्ट नहीं आई, बाकी इनके बैकग्राउंड चेक होंगे। इतनी बड़ी हत्या को जघन्य अपराध जो 100 टुकड़ों में तबलीत करके और उसको जलाया गया है, तो 2 आदमियों की बस की नहीं है, ये इतनी बड़ी हत्या को अंजाम 2 आदमी नहीं दे सकते हैं, ये सब जानते हैं, इसके पीछे कोई अलग राज निकलेगा। तो मेरी सरकार से यही मांग है तुरंत इसमें एक्शन लिया जाए और पीड़ित परिवार को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, जैसे भी और केसों में देते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके बच्चे हैं देखो वो तो मरने वाला तो वापसी नहीं आएगा, और सब महीना 2 महीना 6 महीना में देखो कोई किसी को नहीं देता, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखा कर राज्य सरकार खर्चा दे, और एक जो भी सरकारी नौकरी छोटी मोटी उसकी फैमिली को या उसकी वाइफ को एक नौकरी दी जाए, ये चलता है यार, ये हम देखते आए। तो हमारी यही मांग है, अगर इस मांगों को हमारी को नहीं सुनेंगे तो हम बहुत अलग से रूप लेंगे, हम आगे तक भी लड़ाई लड़ेंगे, तो हम
इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा हक की लड़ाई, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ। लड़ाई जारी रखेंगे, और लड़ाई जारी रखेंगे। और इसमें जो बचे हुए मुलजिम हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें, उनको तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी यानी गिरफ्तार किया जाए। और अभी तक उसको यानी मूसा खो मौसम खा को जिस तरीके से जो मुस्लिम रीति रिवाज के साथ जो दफनाया जाता है और सुपुर्द खाक किया जाता है, अभी तक वो भी नहीं हो पाया है। पुलिस जो उसकी जो जांच है उसको तुरंत जल्दी से जल्दी करके और जो उसके अवशेष हैं जो भी है उनको ये जो परिवार वाले उनको मुहैया कराए। और सभी मीडिया भाई आवाज बुलंद करते रहे और हमारी आवाज आगे तक बढ़ा रहे हैं, हमको इंसाफ जरूर मिलेगा, हमें विश्वास है अपने आप पे।